गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो आज की कक्षा में कोई पढ़ाई नहीं होगी, ये कक्षा बहुत छोटे बच्चों के लिए है। तो आज हम आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाएंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? आज की कक्षा में सबको बहुत मजा आने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये बहुत सुंदर सा एक गांव था। एक समय की बात है, बहुत सुंदर सा गांव था, हरा भरा प्यारा सा गांव था। बहुत से पेड़ पौधे, घर, चिड़िया, जानवर सब थे। उसमें एक कुत्ता भी रहता था, ठीक है? एक दिन उस कुत्ते को बहुत भूख लगी, वो सबके घर के पास गया, बगीचे में गया, लेकिन उसको कहीं भी खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। फिर वो बहुत उदास हो गया, वो बैठा हुआ था तो अचानक उसकी नजर एक हड्डी के टुकड़े पे पड़ी। अब भाई वो तो बहुत खुश हो गया, डॉगी, वाह, मुझे तो खाने के लिए हड्डी का टुकड़ा मिल गया। उसने हड्डी का टुकड़ा लिया और अपने मुंह में ऐसे दबा लिया। वो बहुत खुश था और वो खुशी में अपने घर की तरफ चलने लगा। अब वो अपने घर की तरफ जा रहा था तो उसके घर के रास्ते में एक नदी थी। देखिए, नदी थी, तो जैसे वो नदी को पार करने लगा, उसने क्या देखा कि उसकी जो जब हम पानी में देखते हैं ना, हमारी परछाई दिखती है, उसने देखा कि नदी में उसकी परछाई दिख रही है। तो उसको ऐसा लगा कि नदी में एक और भी कुत्ता है और उसके पास एक और हड्डी है। अब वो लालच में आ गया बच्चों, वो अपनी परछाई देख के सोचा कि अरे, अगर मैं इस कुत्ते को भगा दूं तो मुझे एक और हड्डी का टुकड़ा मिल सकता है। और बस इसने बिना सोचे समझे भूखना शुरू कर दिया। और जैसे ही उसने भूखने के लिए अपना मुंह खोला, क्या हुआ, उसकी हड्डी का टुकड़ा गिरा गया पानी में। उसका हड्डी का टुकड़ा कहाँ गया? पानी में गिर गया। अब वो क्या, उसके हाथ पे कुछ भी नहीं है, अब वो उदास हो गया, पूरा दिन वो भूखा ही रह गया, ठीक है? तो उसने क्या किया, उसने लालच किया ना बच्चों, अगर वो एक ही हड्डी के टुकड़े में खुश रहता और खा लेता तो, और थोड़ा सा अपने दिमाग का, थोड़ी सी समझदारी दिखाता, थोड़ा सा अपनी बुद्धि का प्रयोग करता, तो उसके हड्डी का टुकड़ा नहीं गिरता। उसने लालच की, एक से अधिक हड्डी के टुकड़े के लिए उसके मन में लालच आ गई, तो जो उसके पास था वो भी खो गया। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, लालच बहुत बुरी बला है, ठीक है? तो आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और मुझे बताइए कि कहानी कैसी लगी। हमें पता है कि कहानी बहुत मजेदार लगी होगी। ओके, बाय बाय।